नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi 11 Prime वर्सेस OnePlus Nord N20 SE का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.45 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Xiaomi Redmi 11 Prime में 2.99 इंच जबकि Nord N20 SE में 2.95 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Xiaomi Redmi 11 Prime से कम है। अब बात करते हैं वेट की तो Xiaomi Redmi 11 Prime में 201 ग्राम जबकि Nord N20 SE में 187 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Xiaomi Redmi 11 Prime में 6.58 इंचेस जबकि Nord N20 SE में 6.56 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Xiaomi Redmi 11 Prime में 1080x2408 और Nord N20 SE में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Xiaomi Redmi 11 Prime में 83.92% जबकि Nord N20 SE में 84.57% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Xiaomi Redmi 11 Prime में 401 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Nord N20 SE में 267 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो Xiaomi Redmi 11 Prime में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Nord N20 SE की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Xiaomi Redmi 11 Prime में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Nord N20 SE में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Xiaomi Redmi 11 Prime में Mali G57 MC2 जबकि Nord N20 SE में Powerwell GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Xiaomi Redmi 11 Prime में MediaTek Helio G99 और Nord N20 SE में MediaTek Helio G35 मिलता है। बात करें RAM की तो Xiaomi Redmi 11 Prime में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है जबकि Nord N20 SE में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Xiaomi Redmi 11 Prime में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Nord N20 SE में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Xiaomi Redmi 11 Prime में अप टू 512GB जबकि Nord N20 SE में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Xiaomi Redmi 11 Prime में 3 कलर्स जबकि Nord N20 SE में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Xiaomi Redmi 11 Prime में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें की 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस
6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें नॉर्ड N20 SE की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 14,990 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi Redmi 11 Prime में 6 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें OnePlus Nord N20 SE की तो उसमें 6 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Xiaomi Redmi 11 Prime आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M33 5G है, दूसरा Samsung Galaxy A4 है, तीसरा Samsung Galaxy F23 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Tecno Spark 9 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।